की कोशिश है कि समुद्र तट के पास बसे अगर कोई भी लोग हैं जिनके कच्चे खप्पर वाले घर होते हैं यहाँ से इवैक्यूएट कर ले जाया जा रहा है। 60 से 70 लोग हैं। एनडीआरएफ की टीम बस में भर कर इन लोगों को ले जा रही है। कच्चा मकान था, कच्चा मकान है, झोपड़ा है। हवा में डर नहीं, तूफान में? तूफान में डर तो आता, लेकिन तुम लोग आ गए सहायता करने के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। एनडीआरएफ आई है मदद करने के लिए। एनडीआरएफ के साथ साथ इस वक्त हम एक बस्ती के अंदर जा रहे हैं। किस तरह से लोगों का इवैक्यूएशन द्वारका में किया जा रहा है इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये घर देखिए, ये मंदिर देखिए, ये बस्ती जो यहाँ पर अक्सर समुद्र तट के पास जो लोग रहते थे उन परिवारों को यहाँ से निकाल दिया गया है। एनडीआरएफ की जैकेट पहनी है, तमाम जवान एक एक घर को चेक कर रहे हैं। इनका चप्पा चप्पा जो है वो छान मार कर घरों में देख रहे हैं कि आखिर किसी भी घर में लोग मौजूद ना हो। समय में द्वारका में जहाँ पर मौजूद हूँ, जोर शोर से एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जैसे जैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एनडीआरएफ की कोशिश है कि समुद्र तट के पास बसे अगर कोई भी लोग हैं जिनके कच्चे खप्पर वाले घर होते हैं, आप ये तस्वीरें जरा देखिए। इधर बस के अंदर आ पाएंगे क्या टॉम सर? जरा ये देखिए कैसे लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट कर ले जाया जा रहा है। 60 से 70 लोग हैं जिन्हें अभी मैं इनका कच्चा मकान भी आपको दिखाऊंगी। एनडीआरएफ की टीम बस में भरकर इन लोगों को ले जा रही है। और जरा अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, आप लोगों को यहाँ से लेकर जा रहे हैं कहाँ? घर किधर है आपका? घर इधर है। कच्चा मकान था? कच्चा मकान है, झोपड़ा। हवा में डर नहीं, तूफान में? तूफान में डर तो आता, लेकिन तुम लोग आ गए सहायता करने के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। एनडीआरएफ आई है मदद करने के लिए। कितने लोग हैं? सारे घर वाले? जरा ऊपर आके आप ये तस्वीर दिखाइए। एनडीआरएफ कैसे द्वारका में 60 से 70 यहाँ मौजूद कच्चे घर में जो लोग रहते थे उन्हें यहाँ से इवैक्यूएट कर ले जाया जा रहा है। देखिए ये तमाम एनडीआरएफ के जो यहाँ पर जवान हैं वो मौजूद हैं। कितने लोगों को आप लोगों ने इवैक्यूएट किया? 60 70 अभी तो लेके गए। और देखिए ये एनडीआरएफ की पूरी टीम है और साथ ही एनडीआरएफ के जो यहाँ पर कमांडेंट हैं जो पूरे द्वारका का और इस जोन का जोन को संभाले हुए यहाँ की सुरक्षा देख रहे हैं, लोगों की सुरक्षा देख रहे हैं। अभी अजय सिंह हैं, इनसे मैं जरा बातचीत कर लेती हूँ जो इस पूरे इलाके का कार्यभार संभाल रहे हैं। सर, पूरे द्वारका और यहाँ आसपास का जो जोन है उसकी सेफ्टी इस वक्त आपके कंधों पर है। एनडीआरएफ ने यहाँ पर कुछ इवैक्यूएशन किया है, क्या जानकारी मिली? देखिए इन लोगों को पहले इवैक्यूएट किया जा चुका था, ये लोग दोबारा वापस आके अपने घरों में शिफ्ट हो गए थे। तो हमें जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ कुछ लोग वापस आ गए हैं तो हमने फिर से इन्हें री इवैक्यूएट करने की कोशिश की है। अभी अपनी बसों में भर के हम इन्हें वापस सेफ शेल्टर में ले जा रहे हैं। तो लगभग कितने लोग हैं जिनको आप लोगों ने अभी इनके घरों से निकाला है? अभी ये इनकी लगभग 60 से 70 लोग हैं जिनको हमने अभी री इवैक्यूएट किया है। अच्छा, तो ये मैं कच्चे मकान देख रही हूँ सर, और जिस हिसाब से इस समय हवाएं चल रही हैं, काफी चांसेस हैं कि ये टूट जाए या खप्पर उड़ जाए या छत टूट जाए। देखिए अभी जो विंड स्पीड है वो अप्रोक्स 70 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास है। ये शाम होते होते मेरे ख्याल से 120 to 150 तक पहुँच सकती है। तो इस विंड स्पीड का जस्ट डबल और मोर देन डबल अगर होगी तो इन मकानों की और ये जो कच्चे या झोपड़ी नुमा मकान है इनके कोलैप्स करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप लोग तो 3-4 दिन से लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जब वापस अपने घर की तरफ आ जाते हैं कैसे समझाया जा रहा है कि अभी शेल्टर होम में रहना इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा? क्यों है ये लोग वापस आ जा रहे हैं? क्या इसकी भीषणता नहीं समझ पा रहे? आप बोल सकती हैं हाँ, शायद इसकी गंभीरता को ये बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे अपने मकान में रहना चाहिए, मेरे मकान में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो कोई चोरी करके ले जा सकता है, और इनको अपने जान की शायद उतनी परवाह या समझ नहीं आ रहा है। इनको ऐसा कहें कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको सेफ शेल्टर में चले जाना कितना उचित है। बिल्कुल, तो देखिए इस यहाँ से इस बस्ती में से तो आपने 60-70 लोगों को निकाला, अभी पूरे द्वारका में क्या ऐसे और भी मकान हैं जो तटों के किनारे हैं जहाँ पर खतरा बना हुआ है? देखिए अभी असेसमेंट चल रहा है, ठीक है, स्क्रीनिंग भी चल रही है, अपने लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन भी कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जैसे इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है। हम अपने लेवल पे भी देख रहे हैं कि कहाँ पर कितने लोग अभी वापस आ गए हैं, अदरवाइज पहले ही हमने सारे लोगों को इवैक्यूएट कर दिया है और सेफ शेल्टर में पहुँचा दिया है। अच्छा, बाकी समुद्र किनारे भी कुछ लोग हैं जो वहाँ जा रहे हैं, उसके लिए कोस्ट गार्ड्स के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी या क्राइसिस होती है तो लोगों को बचाने के लिए क्या उन लहरों में पॉसिबल हो पाएगा? देखिए पॉसिबल है क्योंकि जो लोग भी हैं वो लो लाइंग एरिया में है, हालांकि हमने पहले ही इवैक्यूएट कर लिया है, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर कोई वहाँ पे फंसा रह जाता है और साइक्लोन के दौरान अगर हैवी फ्लड आ जाता है वहाँ पे तो हम तैयार हैं, हम उन्हें रिसीव कर सकते हैं। जी।
देखिए एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार है, लोगों को रेस्क्यू भी किए जाने से लेकर इवैक्यूएशन वक्त रहते किया जा रहा है कि कोई अनहोनी ना हो, जो नुकसान है क्राइसिस ऐसे हालात में वो कम से कम हो सके, इसके मद्देनजर तमाम अभी से जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। और आप देखिए कि एनडीआरएफ के भी सभी जवान जो हैं वो तैनात हैं। एक बार अजय जी आपसे आखिरी सवाल यही जानना चाहेंगे, इससे पहले कि आप लोग इवैक्यूएशन और ये सब आगे बढ़ा सके, एनडीआरएफ कितनी मुस्तैद है और क्या क्या तैयारियां आप लोगों की तरफ से की गई है? देखिए गुजरात में टोटल 18 टीमें और वन टीम दीव में, टोटल 19 टीमें हमारी साइक्लोन को देखते हुए तैनात की गई हैं और सभी टीमें अपनी अपनी लोकेशन पे पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी तरह की अगर गंभीर परिस्थिति उत्पन्न होती है साइक्लोन के बाद तो उसे निपटने के लिए एनडीआरएफ तैयार। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये पूरे एनडीआरएफ का मोर्चा संभाले यहाँ के कमांडेंट मेजर अजय सिंह, और उनसे हमने बातचीत की तो वो बता रहे थे कि कैसे जैसे जैसे जानकारी एक्सेस कर रहे हैं, जहां भी लोग पाए जा रहे हैं जो खतरे के रडार में आ रहे हैं उन्हें इवैक्यूएट कर इस बस में ले जाया जा रहा है। जो अगले 3-4 घंटे हैं वो बहुत ज्यादा अहम द्वारका के लिए रह सकते हैं। एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैनात है और तैयार है क्योंकि जो इनपुट उन्हें मिल रहे हैं कहां कहां पर खतरा जो है वो बढ़ सकता है, और इसीलिए ये आप ऑरेंज कलर की बस देखेंगे जो लोगों को इवैक्यूएट कर यहां से अभी निकली है। इसमें लगभग इस पूरी बस्ती के 70 से 80 लोगों को सुरक्षित ले जाया गया है। आप अगर उन तस्वीरों को देखेंगे कि किस तरीके से घर के ऊपर का पूरा खप्पर उड़ चुका है, यहाँ लोगों के जो ये कच्चे घर हैं, प्लास्टिक से बने घर हैं, ये तमाम घर जो है वो ऑलमोस्ट टूट चुके थे। ऐसे में कैसे इन लोगों को सुरक्षित यहाँ से ले जाया जाए, क्योंकि ठीक इसके पीछे ही समंदर की लहरें भी है और समंदर के छोर पर बसा ये जो पूरी बस्ती है इसमें से आप देखेंगे एक एक कर लोगों को ले जाया गया है। अब यहाँ पर आपको ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, जो पक्के मकान थे बस उन पक्के मकान में कुछ लोगों को रहने की इजाजत दे दी गई है, जो आप देख पाएंगे कि कुछ युवक छत के ऊपर मौजूद हैं। बाकी ये खप्पर वाले, ये प्लास्टिक वाले जो तमाम गरीब लोगों के घर थे उन्हें अभी अभी यहाँ से फिर इवैक्यूएट किया गया है। और ऐसे कई लोग हैं जो बिना जानकारी के सुरक्षित जगहों पर नहीं थे और उन्हें एक्सेस किया जा रहा है, उनका पता लगाया जा रहा है एनडीआरएफ द्वारा, ताकि कोई भी जो जानमाल का नुकसान है वो ज्यादा ना हो सके। देखिए एनडीआरएफ के साथ साथ इस वक्त हम एक बस्ती के अंदर जा रहे हैं, किस तरह से लोगों का इवैक्यूएशन द्वारका में किया जा रहा है इसकी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एनडीआरएफ की पूरी टीम को जानकारी मिल रही है, ये घर देखिए, ये मंदिर देखिए, ये बस्ती जो यहाँ पर अक्सर समुद्र तट के पास जो लोग रहते थे उन परिवारों को यहाँ से निकाल दिया गया है। पूरी तरीके से यहाँ पर इन छतों के, इन घरों के उड़ जाने की आशंका बनी हुई थी। एनडीआरएफ कैसे एक एक घर में चेक कर रहा है, इधर ये देखिए कैसे दरवाजों को पकड़ पकड़ कर दबाया जा रहा है ताकि अगर तेज आंधी तूफान आए तो ये उड़ ना जाए और किसी भी तरह का जो नुकसान है वो ज्यादा ना हो सके। ऐसे जो तमाम जवान है वो एक एक घर के पास पहुंच गए, इनकी पूरी टीम तुरंत इतर बितर हो गई है। और इधर आकर आप इन बस्तियों को देखेंगे अगर, जहाँ सबसे ज्यादा खतरे की जो गुंजाइश है वो नजर आ रही है। ऐसे में इन लोगों को वक्त रहते निकालकर उनकी सुरक्षा जो है वो एहतियात बढ़ता गया है, और ऐसे में जो पक्के मकान है जिनके गिरने के चांसेस कम है बस उसमें लोगों को रहने की इजाजत दे दी गई है। बस्ती के अंदर देखिए फटाफट आप एनडीआरएफ की जैकेट पहनी है, तमाम जवान एक एक घर को चेक कर रहे हैं, इनका चप्पा चप्पा जो है वो छान मारकर घरों में देख रहे हैं कि आखिर किसी भी घर में लोग मौजूद ना हो। अभी देखिए आप ये लाइन में जो तमाम पेड़ हैं जो यहाँ पर प्रोटेक्टेड थे हरे मैट के बीच में, ये सारे गिरे हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कैमरामैन को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, ये बिजली का खंभा अभी अभी हमारे सामने गिरा है, बिजली के वायर्स जो ऊपर से जा रहे थे ये नीचे गिरे हैं, और ऐसे में लाइन में आप देख पाएंगे ये तमाम पौधे तो ऐसे हवा में उड़ गए।